ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि कोई व्यक्ति कोई बुरा काम करता है तो उसके इस बुरे काम का फल उसे स्वयं भोगना पड़ेगा, या उसके इस बुरे काम से किसी दूसरे को या कुछ लोगों को या पूरे समाज को ही नुकसान पहुंच सकता है, खास करके जब वह व्यक्ति अपने बुरे काम को ढिठाई से करता चला जाए। और ऐसी हालत में समाज के प्रत्येक व्यक्ति का यह फर्ज बनता है कि वह उसके सुधार के लिए कुछ कदम उठाए। और आज के इस वचन के पाठों में हमें भाई सुधार के बारे में ही बातें बताई गई है। हम अपने को नैतिक तौर से अच्छा रखना चाहते हैं, और यदि हमें यह ज्ञात हो जाए कि हम सही राह से भटक गए हैं तो हम अपने को सुधारने की कोशिश में लग जाते हैं। परंतु यदि कोई दूसरा व्यक्ति सही राह से भटक गया है तो हमें उसके प्रति कोई चिंता नहीं होती है। शायद हम काइन के समान कहते हैं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? ख्रिस्तीय होकर हमें यह ज्ञात है कि पाप कर पापों में ही जीते रहना अपनी आत्मा को गवा देने की जोखिम में डालना होता है। और इसीलिए यदि अपना पड़ोसी ऐसी जोखिम में पड़ जाता है तो चलिए हम सब उसे बचाने में अपना सहयोग दें। कभी ऐसा होता है कि यदि कोई अनुचित काम कर बैठता है, हम उसकी बेहद टिक्का टिप्पणी करते हैं, उस पर न्याय करने लगते हैं, और नतीजा यह होता है कि वह सुधारने के बदले हमारा दुश्मन बन जाता है। हम सब एक ही पिता ईश्वर की संतान हैं, अतः हमारे बीच में परस्पर प्रेम होना चाहिए। और इसीलिए जब भी हम किसी पड़ोसी के सुधार की बात करते हैं तो प्रेम के साथ ही उसके साथ पेश आएं। आज के सुसमाचार में यही बताया गया है कि किसी भाई या बहन को, यानी अपने किसी भी पड़ोसी को सुधारने के लिए हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, और यह तीन कदम तरीका है। हमारे प्रभु के अनुसार गलती करने वाले व्यक्ति को समझाने के लिए सर्वप्रथम एक ही व्यक्ति उसके पास जाए। यदि अपने समझाने वाले को वह ना माने तो दो तीन व्यक्ति उसके पास जाएं। दो तीन व्यक्तियों को भेजने की बात हमें इसीलिए कही गई है क्योंकि दो तीन जनों की गवाही पक्की समझी जाती है। परंतु यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया को उसके यहाँ आने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कलीसिया को ईश्वर की ओर से अधिकार दिया गया है। कलीसिया के अधिकारियों की पहुंच जहां नहीं है वहां और लोग हैं जिन्हें लोगों ने ही अपना अधिकारी नियुक्त किया है, जैसे गांव या टोले के पंच। इन्हें अपने अधीन के लोगों पर अधिकार दिया गया है और जवाबदेही भी। आज के पहले पाठ में ईश्वर एजेकियल नबी से कहते हैं, हे मनुष्य के पुत्र, मैंने तुम्हें इसराइल के घराने के लिए संतरी यानी पहरेदार नियुक्त किया है। इसराइलियों को समय समय पर अपने देश की रक्षा के लिए शत्रुओं से लड़ाई करना पड़ता था, और इसके लिए संतरियों अर्थात पहरेदारों की जरूरत होती थी। और आज इसी तरह ईश्वर हम में से प्रत्येक जन से कहते हैं, मैंने तुम्हें अपने पड़ोसी का पहरेदार नियुक्त किया है, तुम देखो कि उसे कोई हानि ना हो। और इसीलिए यदि कोई व्यक्ति गिर गया है तो हम उसे उठाते हैं। और आज के पहले पाठ में यह भी कहा गया है कि यदि कोई किसी को बुरे मार्ग में चलते देखता है फिर भी उसे बुरे मार्ग छोड़ने के लिए सतर्क नहीं करता है तो वह उस व्यक्ति के नाश का दोषी होगा। जैसे कि यदि किसी का बेटा या बेटी शाम होने के बाद यहाँ वहाँ घूमती रहे
और उसके माता पिता उसकी कोई चिंता ना करें, उसे कुछ ना बोलें, तो यदि वह बुराई कर बैठता है तो माता पिता भी उस बुराई के दोषी होंगे। यदि किसी घर में पूरा परिवार टीवी में कुछ ऐसा प्रोग्राम देखते रहे जो बच्चों के लिए ठीक ना हो, तो माता पिता अपने बच्चों को गलत राह में चलने की जोखिम में डालते हैं और इसके लिए उन्हें जवाब देना होगा। आज के सुसमाचार के अंतिम भाग में प्रभु यीशु हमें ऐसी बात बोलते हैं जो हम सबको आशा से भर देते हैं। वे कहते हैं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से दो व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता को की ओर से निश्चय ही मिलेगा, क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। जब हम अपने परिवार में एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, हम दो या तीन नहीं उससे भी अधिक संख्या में होते हैं और हम अवश्य प्रभु के नाम में एकत्र होते हैं। अतः प्रभु यीशु हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं, वे हमारे साथ प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को प्रभावशाली बनाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, चलिए तब हम सब प्रभु यीशु का इस महान कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद करें, क्योंकि वे निरंतर हमारे साथ रहते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को पिता ईश्वर को चढ़ाते हैं। आमीन।